फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं फिर से आपके पास आ गई हूँ एक नई रेसिपी और एक नया वीडियो लेकर के। तो ये रेसिपी शुरू करने से पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगी आपसे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये रेसिपी कैसा लगा, ये मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए। और अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मेथी के लड्डू। आप लड्डू देख करके सोच रहे होंगे कि ये लड्डू किस चीज़ से बना है, तो ये मेथी का लड्डू है जिसका हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। मेथी हम लोग जानते हैं कि ये कितना लाभकारी होता है बालों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, डायबिटीज़ के लिए, और ये उतना ही अच्छा होता है सर्दी खांसी के लिए। तो ये लड्डू इस मौसम के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप ये लड्डू खाएंगे तो सर्दी खांसी भी नहीं होगा और आप तंदुरुस्त रहेंगे। और मेथी नाम से ये मत सोचना कि ये खाने में कड़वा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये खाने में उतना ही स्वादिष्ट होता है जितना कि दूसरे लड्डू, लेकिन इसमें हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। और ये आप घर पर जरूर ट्राई कीजिए। मैं वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें बताना चाहूँगी कि मेथी को आप घी से अच्छे तरह से भूनना है। घी लेने में ज़्यादा कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। घी भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो घी से इसे बहुत अच्छे तरह से भून लेना है। और आटे को भी बहुत अच्छे से भूनना होगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें। तो इसे आप घर पर जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे का वीडियो। मेथी के लड्डू बनाने के लिए मैं यहाँ ली हूँ एक कटोरी मेथी का पेस्ट, जो मैं रात में भिगोकर रखी थी, और फिर मैं इसे अभी पेस्ट बना ली हूँ। इसके अलावा मुझे चाहिए ड्राई फ्रूट्स, जिसे मैं हल्का सा रोस्ट की हूँ तवे पर। इसे हल्का सा मैं रोस्ट कर ली हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैं यहाँ काजू, आलमंड, सूखी नारियल और अखरोट, ये मैं ली हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसके अलावा चाहिए हमें गुड़, और चाहिए आटा। मेथी से हमें डबल रखना है आटा। मेथी जितना होगा उसका डबल होगा आटा। और इसके अलावा और एक चीज़ चाहिए, जो है देसी घी। तो अब हम सबसे पहले इसका एक पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स का हमने एक पाउडर बना लिया है। अब चलिए आगे का प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो कढ़ाई में हम घी लेंगे, और इसके बाद हम मेथी को बहुत ही अच्छे तरह से भून लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे तरह से मेथी को हम भून लेंगे। ये देखिए, मेथी भून चुकी है, और अब हम इसमें मिला लेंगे आटा, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, ये सभी चीजें हम इसमें मिला लेंगे। और अब हम इसको 2-4 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेंगे। आटे में से एक अच्छी खुशबू आ रही है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। मैं इसमें ऐड की हूँ गुड़, और अब मैं गुड़ का गलने का इंतजार कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हमें ऊपर नीचे करना है। और इसी तरह से गुड़ जो है वो गलने लगे। ये देखिए, मिश्रण बिल्कुल रेडी है हमारा। अब हम इसमें से हाथों में थोड़े से घी लेकर
इसके गोल गोल लड्डू बना लेंगे। अभी थोड़ा सा गर्म है तो इस तरह से गोल गोल लड्डू बना लेना है। और आप ये मत सोचिए कि ये मेथी के लड्डू हैं तो तीता लगेगा, बिल्कुल तीता नहीं लगता है। मेरी बेटी का तो ये बहुत पसंदीदा लड्डू है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है।